शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के मनपा के स्कूल की हालात काफी लचर है। शिक्षा का दायरा कॉन्वेंट के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में मनपा के स्कूल की कब बदलेगी तस्वीर, यह सवाल अब भी बना हुआ है। मनपा की स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे बड़े बड़े अधिकारी और बिजनेसमैन बने हुए हैं। मनपा के स्कूल में दाखिला मिलते ही कई गरीब परिवार के बच्चों के अभिभावकों के चेहरे पर खुशी नजर आती थी। मनपा के शिक्षक बेहतरीन तरीके से हिंदी मराठी पढ़ाते थे, लेकिन अंग्रेजी उस दौर में मनपा के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी, नहीं आती थी। परिणाम स्वरूप मनपा के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी बाद में अंग्रेजी स्कूलों का रुख करने लगे, जिससे मनपा के स्कूलों की संख्या कम होने से लचर हालत हुई थी। कई मनपा के स्कूलों को बंद कर दिया गया था तो कई मनपा के स्कूलों का विलीनीकरण भी किया गया था। तब की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में जमीन आसमां का अंतर है। अगर अंग्रेजी स्कूल डिजिटाइजेशन हो रही है तो मनपा के स्कूलों में अब तक क्यों नहीं मनपा के स्कूल डिजिटलाइजेशन नहीं हुई है, इसका क्या कारण है, इस बारे में अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने जानकारी दी। हमारे यहाँ वैसे तो करीब करीब 80-82 इमारतों में प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल ऐसे करके हमारे यहाँ 128 करीब करीब स्कूलें चल रही हैं। हमारे यहाँ मनपा के स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब फैमिली से आते हैं। उनके पेरेंट्स के पास भी स्मार्टफोन नहीं होता कि ताकि हम उनको डिजिटली एजुकेट करें। हम लोग कुछ और तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हम उस पर कुछ सॉल्यूशन निकाल के जून आखिरी तक हम लोग, जैसे छुट्टी आई है जून तक आखिरी तक, उसके बाद हम उस पर पहल करेंगे। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी जी से जब हमने बात किया कि मनपा की स्कूलें कब शुरू होगी, तो उन्होंने जून के माह के आखिर में यह स्कूल होने की उन्होंने बात कही है।